हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम जो हमारा कल टॉपिक हुआ था न्यूरॉन तंत्रिका, उसको ही हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट देखिए, तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है? तंत्रिका होती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है तंत्रिका, याद रखना है। तंत्रिका तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, पहला सेल बॉडी जिसे कोशिका काई कहा जाता है, दूसरा एक्सोन और तीसरा डेंड्रोन आपको दिखाई दे रहा है। अगली हम बात करें, अगर सेल बॉडी के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि कोशिका द्रव होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कि कोशिका अंग होते हैं। कोशिका अंग का मतलब क्या होता है? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, राइबोसोम वगैरह हुए, ये होते हैं, न्यूक्लियस हुआ। उसके बाद में निसल्स ग्रेन्यूल्स इसके अंदर होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो याद रखें, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं और निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट है इसका एक्सोन। एक्सोन क्या होता है? एक लंबी प्रोसेस एराइज होती है। हमने कल देखा था, जब न्यूरॉन देखा था, एक डेंड्रॉन होता है जो छोटी प्रोसेस होती है, एक्सोन होता है जो लंबी प्रोसेस होती है। तो एक लंबी प्रोसेस एराइज होती है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सोन कहा जाता है, याद रखें। इसका आखिरी हिस्सा जो होता है वो ब्रांच होता है, तो ब्रांच होता है इसका डिस्टल एंड, याद रखना, जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच होता है, शाखित होता है। और यहाँ पर क्या होती है? ये जो शाखा होती है ये बल्ब की तरह होती है, बल्ब की तरह होता है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, याद रखना। और इस सिनेप्टिक नोब जो होता है इसमें इस सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलीन पाया जाता है, तो याद रखना। इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, कि जो एक्सोन होता है ये कोशिका का, यानी कि जो सेल बॉडी होती है उससे संदेश को दूर लेकर जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं डेंड्रोन की। तो डेंड्रोन देखिए, डेंड्रोन क्या होती है? कोशिका का यानी कि सेल बॉडी से वह प्रोसेस जो छोटी होती है, जो छोटी प्रोसेस एराइज होती है, यानी कि जो शॉर्ट प्रोसेस एराइज होती है, उसे क्या कहा जाता है? डेंड्रोन कहा जाता है। और डेंड्रोन से हमें पता है और भी छोटे छोटी प्रोसेस निकलती है, जिसे डेंड्राइट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट देखना है, इनके पास क्या होते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, याद रखना। एक जोन में निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, परंतु डेंड्रोन के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोन में भी यानी कि सेल बॉडी में भी पाए जाते हैं, और डेंड्रोन में भी निसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, याद रखना है। अगर डेंड्रोन की बात करें तो डेंड्रोन कहाँ से कहाँ संदेश ले जाता है? तो डेंड्रोन जो संदेश ले जाता है वो सेल बॉडी यानी कि कोशिका काई की तरफ संदेश लेकर जाता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखना है, नीचे स्टार बना हुआ है, सेंट्रियोल एब्सेंट इन नर्व सेल, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसीलिए तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? याद होगा आपको, रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है, ना के बराबर रीजनरेशन। एक बार अगर तंत्रिका कोशिका नष्ट हो जाती है तो वो वापस नहीं बन पाती है, पता है आपको। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं, इनका क्या काम? तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं नर्व कोशिका के अंदर, क्लियर। और ये किस चीज़ से बने होते हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और राइबोसोम से बने होते हैं। ये याद रखना है कि जो निसल ग्रेन्यूल होते हैं ये एक्सोन में अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको पॉइंट सारे याद रखना है, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है।